start with that chapter. So let us begin with the light. आइए बेटे, light क्या है और light की basic properties क्या हैं, कैसे हम बेटा different laws related to the light discuss करेंगे and all that. We will have to go into the every details बेटे. लाइट बेटे बेसिकली अगर हम बात करें, इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ये नेचर वाइज बेटे ट्रांसवर्स नेचर उसका होता है. ट्रांसवर्स नेचर का मतलब है कि लाइट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स से मिलके बनी होती है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, लेट मी शो यू, ये एक्सिस मैं इमेजिन कर लेता हूं और ये देखिए आप तीनों एक्सिस देख रहे होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, राइट बेटा. अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बेटे एक्स एक्सिस के अलोंग वेरी करे, स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए, इट शुड वेरी अलोंग एक्स एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड शुड वेरी अलोंग वाई एक्सिस. देन जब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेरी करेंगे, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन बन गई, इस तरफ एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, वो डिस्टर्बेंस आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी लाइट कहलाएगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स नेचर बेटे. सो लाइट जो है इट इज ए सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा. इसका नेचर जो है ट्रांसवर्स है. ट्रांसवर्स का मतलब है लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा और लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली वेरी करते हैं. अगर नहीं करेंगे तो लाइट जनरेट नहीं हो पाएगा, राइट बेटे. सो इन दिस वे बेटा वी कैन से दैट हमारा जो लाइट है, अगर इसको डिफाइन करें, लाइट इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर बेटा. इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर. ट्रांसवर्स नेचर का मतलब आई थिंक आपको समझ आ गया है. और बेटे जो लाइट है इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स बेटे. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन बेटे. और सबसे जरूरी, लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी बेटा. लाइट हैज डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया. ये मीडियम वर्ड का प्लूरल है बेटे, मीडिया, ठीक है. अब आप अगर एयर ले लोगे बेटा, इन एयर आपका लाइट स्पीड सी से ट्रेवल करेगा. आई होप आपको याद होगा, इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम 3 × 10^4, यस 8 होता है, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड. अगर बेटी हम बात कर लें पानी की, इन वाटर स्पीड ऑफ लाइट जो है 2.25 × 10^8 मीटर पर सेकेंड. कम हो गया, क्यों कम हुआ? क्योंकि पानी जो है ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है इन कंपैरिजन टू द एयर. एयर उतना डेंस नहीं है, एयर गैस है, इसमें पार्टिकल्स काफी ज्यादा स्पेसिंग, काफी ज्यादा डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं. पानी लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थोड़ा नजदीक होते हैं.
आप लोग जानते ही हैं सॉलिड लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ी हैं। और अगर मैं अब बात करूं सॉलिड की, जैसे कि मैं ग्लास मान लूं बेटा, ग्लास में ये स्पीड और भी ज्यादा कम हो जाएगा। आइए देखें, ग्लास अगर हम मीडियम ले लें बेटा, इन ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास की बात कर रहा हूं, जैसे ये डोर पे लगा हुआ है, इन ट्रांसपेरेंट ग्लास बेटा आपका स्पीड ऑफ लाइट जो होगा 2×10^8 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। एक बात और नोट करिएगा, एयर में हमने सी लिखा था, बाकी किसी ने सी नहीं लिखा, बिकॉज वो सी होगा ही नहीं, अलग हो जाएगा, हम डिनोट भी नहीं करेंगे फिर सी से, वी विल राइट इट एज बेटा सिंपली वी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। अगर आप सी नहीं यूज करोगे, दैट विल इंडिकेट दैट कि आपका मीडियम कोई और हो गया हुआ है, अब एयर या वैक्यूम नहीं है। वी, बिल्कुल वी बेटा, और वी की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी ना, जितनी जितनी भी आती जाएगी हम लिखते जाएंगे। अगर पानी है, एयर है, सॉरी आपका ग्लास है, डायमंड है, और ग्लास भी की कई टाइप्स का है आगे, कोई जो है वो उसमें पार्टिकल्स को हम किसी और तरीके से पैक कर देते हैं, किसी में और तरीके से पैक कर देते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी, राइट बेटा। देन आइए बेटे देखें, रे ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, इनमें क्या फर्क है। सिंपल रे ऑफ लाइट की अगर बात करें, लेट अस कंसंट्रेट, रे ऑफ लाइट क्या है, लाइट बीम क्या है, और हम कैसे ये सारा देखेंगे बेटा। आइए देखें बेटा, रे ऑफ लाइट, बड़े ध्यान से समझिएगा पहले बेटे सारे स्टूडेंट्स। इमेजिन करो आपके पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आई होप पॉइंट्स तो दिख रहे होंगे आपको ना। ए को और बी पॉइंट को मैंने विद द हेल्प ऑफ ए स्केल इनको कनेक्ट कर दिया ऐसे बेटे, राइट बेटा। ये आपका क्या बन गया, क्या बना, ये लाइन बन गया बेटे, ए को बी से ज्वाइंट कर दिया, लाइन बन गया, दिस इज द लाइन, ठीक। अब लाइन जो है इसके साथ अगर मैं एरो हेड ड्रॉ कर दूं तो ये रे ऑफ लाइट बन गया बेटा। सो रे ऑफ लाइट क्या है बेटा, ए रे ऑफ लाइट इज ए लाइन विद एन एरो हेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बेटे, जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करेगी आप उस डायरेक्शन में एक एरो हेड लगा दीजिए, ये आपका क्या बन गया, लाइट का सिंगल रे बन जाएगा। एक टर्म आती है बीम ऑफ लाइट बेटा, ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट को आप बीम ऑफ लाइट कह देते हैं। आइए देखें बेटा, बीम ऑफ लाइट क्या है, we will say that group of light rays is called a beam of light बेटे। आइए मैं आपको प्लॉट करके बताऊं, बनाते बताऊं लाइट का बीम क्या है। ये देखो बेटा, एक रे आ गया, ये आ गया सेकेंड रे, ये बन गया बेटा थर्ड रे, ये बन गया बेटा फोर्थ रे, ये फिफ्थ रे, ये देखो पैरेलल रेज हैं सारी, इन पैरेलल रेज को बेटे बोल देते हैं लाइट बीम बेटे, बीम ऑफ लाइट। समझ आ गई सारे स्टूडेंट्स को बात बेटा। हाँ जी, इनके बीच में बेटे, अगर तो आपका पैरेलल बीम है
तो डिस्टेंस सेम होगा, अगर बीम पैरेलल नहीं है तो सेम नहीं होगा, फिर आपका बीम कोई और तरीके का हो जाएगा और वहां पे इमेज फॉर्मेशन में फिर दिक्कत आएगी। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बड़ा क्लियर होता है। चलें जी आगे। देन बेटा हमारे पास बात आ जाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और हम बेटे रिफ्लेक्शन को कैसे स्टडी कर सकते हैं। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहले आप समझिए फिर मैं आपको बेटे स्टेटमेंट पार्ट भी अच्छे से लिखवा देता हूं। एक आपने पॉलिश्ड सरफेस बेटे इमेजिन किया, ड्रेसिंग टेबल मिरर आप अपने माइंड में सोच सकते हो, इसकी बैक साइड पे आपने एक डार्क पेंट किया हुआ है ब्लैक या रेड कलर का, या कई बार ऐसा कलर भी पेंट कर देते हैं जहां आपको जो ये टेबल से हुआ है ये भी कलर पेंट किया जाता है बिकॉज ये डार्क कलर है, ये लाइट को पास नहीं होने देते। ठीक है जी, आपने एक डार्क कलर की हैवी कोटिंग मिरर की बैक साइड पे कर दी, फ्रंट साइड पे आपने सिल्वर की पेंटिंग कर दी, सिल्वर की पॉलिशिंग कर दी। सिल्वर की पॉलिशिंग करोगे तो ये आपका बेटे जो है सरफेस, दिस इज पॉलिश्ड, और ये वाला जो सरफेस है दिस इज पेंटेड सरफेस, तो आपका मिरर बन गया बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, मिरर पे हमने एक पॉइंट चूज किया अपनी तरफ से, ये पॉइंट मैंने यहां पे लगा दिया, ओ इसको लिख दिया, किसी के बच्चे के पास डी है तो दीजिए डी, वो एंगल बनाने वाली है रेनगोई डेसिमली, थैंक यू बेटा, ये डी है बच्चों हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। डी की जो सेंट्रल लाइन होती है जहां पे सारी लाइन जाके कट करती है, इसको मैंने ओ पॉइंट पे रख दिया, ऐसे ओ पॉइंट पे ये लीजिए रख दिया जी, ठीक, और 90 डिग्री के मैंने यहां पे पॉइंट लगा दिया, ये राइट पॉइंट लगाकर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन को आप क्या बोलते हो मैथमेटिक्स में, परपेंडिकुलर या नॉर्मल भी कह देते हो आप, है ना, राइट। अब आपने फिर से देखिएगा, डी को मैंने ऐसे पकड़ा, ऐसे रख दिया अब, और मैं मान लो 40 डिग्री का एंगल बनाना चाहता हूं, 10, 20, 30, 40 अंदाजे से मैंने लाइन लगाई है, मुझे दिख नहीं रहा यहां से, ये मैंने मार्किंग कर दी, ये 40 डिग्री का मैंने एंगल बना दिया, ये लाइन बेटा मैंने लगा दी, राइट। ये जो एंगल बन गया है 40 डिग्री का, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा, एंगल आई इसको कहते हैं, और इसको मैं अगर ऐसे लाइन के साथ एरो लगा दूं, इट विल बिकम इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे चीजें आ रही हैं, सबसे पहले क्या आया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओ पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके बाद क्या बना नॉर्मल, और नॉर्मल के बाद इंसिडेंट रे बनाया हमने, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर बच्चों आप इस तरफ से देखोगे तो आपका रिफ्लेक्टेड रे इधर आपको दिखाई देगा ये, और ये एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, दिस इज बेटा कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा बेटा। हमेशा याद रखिए जब भी आप रिफ्लेक्शन की बात करते हो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दीज लाई इन द सेम प्लेन, एक ही साइड पे होते हैं, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो दो लॉज हैं जिनमें हम कहते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड
द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन. सेकेंडली बेटा, सेकेंड लॉ क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इट रिफ्लेक्शन. नाउ बेटी आइए थोड़ा और आपको एंगल्स के बारे में मैं समझा दूं. नॉर्मल का मतलब ये है कि आपका ये पूरा एंगल कितने का हो गया जी, ये एंगल 90 का, बहुत बढ़िया. और ये एंगल कितने का हुआ, ये भी 90 का, अगेन गुड. अब ये दो एंगल्स बराबर आपने ऑलरेडी कह दिए. कई बार आपको एग्जामिनर कह देते हैं कि इंसिडेंट रे ये वाली कितने एंगल पे डिविएट हो रही है अपने पाथ से. आइए देखें जरा बात करके, ये इंसिडेंट रे था, ये बात करके देखें एंगल ऑफ डिविएशन कैसे निकाला जाता है. दिस इज योर इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ डिविएशन. इसको बेटे एंगल ऑफ डिविएशन को एंगल डेल्टा कहते हैं. कैसे डालते हैं लेटर डेल्टा, फिर से देखिएगा मैं कैसे डाल रहा हूं. ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आठ जैसे बनाते हो ना, ऊपर से रहने दो यहां तक कर दो. दिस इज कॉल्ड डेल्टा, राइट. अब जरा समझिएगा सारे बच्चे, इंसिडेंट रे आपका इस तरफ जा रहा था, ये जा रहा है ना, रास्ते में क्या आ गया, मिरर आ गया, तो रे किधर चल गया, इधर मुड़ गया ये. अब कितने एंगल पे डिविएट हुआ है, असल में तो ये इधर जा रहा था, ये जा रहा था ना, इसका मतलब है ये इतने एंगल पे अपने पाथ से मुड़ गया, डिविएट हो गया. और ये एंगल कितना है, ये एंगल एंगल डेल्टा कहलाता है, एंगल ऑफ डिविएशन कहलाता है. इट विल बी इक्वल टू 180 माइनस ये कितना है, नहीं ये आप ये 90 नहीं ना, ये तो ये 90 लिखा था ना हमने, 90 तो ये था. ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. तो फिर इसको ऐसे लिख दें, क्या कहते हो, कोई खराबी तो नहीं. और आगे देखिए, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो आपको कैसे लगेगा, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा. आई और आर बराबर है, मैंने ट्वाइस ऑफ आई लिख दिया. तो फिर बेटे अगर मैं ऐसे लिख दूं तो फिर ऐसे भी तो लिख ही सकता हूं, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये है ऑल राइट है ना. अब एक एग्जांपल करेंगे, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 40 डिग्री का है इस केस में, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिविएशन. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल 40 है अगर, तो डेल्टा कितना होगा, 100 का, बिल्कुल ठीक. तो अगर वो कह दे कि जी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका 30 है, व्हाट इज एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा, 120, बिल्कुल ठीक बेटा. तो ये आपको कैलकुलेट करना बनाना आना चाहिए, राइट बेटे. सो आइए वन बाय वन और आगे इस डिस्कशन को आगे ले चले. एंगल ऑफ डिविएशन की आपने बात कर ली, आपने इंसिडेंट रे देख लिया, रिफ्लेक्टेड रे देखा, नॉर्मल देखा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी आपको समझ में आ गया बेटा. चलें आगे, अब कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा, अरे ये है ही आसान, ठीक है. चलिए फिर, चलिए बच्चे खुश होने चाहिए. सो इसके बाद हमारे पास बेटी कंसेप्ट है रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है. थोड़ा सा इसके बारे में पहले करते हैं फिर आगे चलेंगे बेटा. रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा. मॉर्निंग टाइम हम स्कूल के लिए आते हैं, अपना हम बेटे ड्रेसअप देखने के लिए ड्रेसिंग मिरर में देखते हैं कि क्या हम अच्छे भी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, देख के आते हैं ना बेटा.
और हमें उसमें ड्रेसिंग टेबल मिरर में अपना इमेज दिखाई दे देता है, क्लियर दिखाई देता है राधा। अगर आप न्यूज़पेपर के सामने आप अपना ड्रेसअप चेक करने लगो तो आपको इमेज दिखेगा, नहीं दिखेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस बेटा? बिकॉज न्यूज़पेपर का सरफेस स्मूथ नहीं है, रेगुलर नहीं है, वहां से जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो आपकी पैरेलल नहीं होगी और इमेज नहीं बन पाएगा। तो आइए देखें, अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास एक बेटे बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, वेल पॉलिश सरफेस है, मिरर है ऐसे कह देता हूं, और ये आपकी एक रे, ये आपकी दूसरी रे, ये आपकी तीसरी रे, ये आपकी चौथी रे, इन्होंने मिला के क्या बना दिया? इट इज ए बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम बन गया ना। अब क्योंकि सरफेस पैरेलल है, स्मूथ है, ये एक रे, ये दूसरा रे, ये तीसरा रे और ये फोर्थ रे, तो ये भी देखिए ये भी आपस में बिल्कुल पैरेलल हैं। इसको बोल देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा उस सरफेस में इमेज क्लियरली दिखाई देगा, अदरवाइज इमेज दिखाई नहीं देगा। अगर मैं मिरर के बाद न्यूज़पेपर का सरफेस जो है उसको विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास व्यू करूं तो वो सरफेस ऐसे बेटे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर एक हम मैग्नीफाइंग ग्लास ले लें और व्यू करें तो अब जरा देखिएगा, ये इंसिडेंट रे एक आ गया, ये इंसिडेंट रे दूसरा आ गया, ये इंसिडेंट रे तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, इन्होंने मिलके क्या बना दिया? अरे बीम बन गया ना, ठीक है। और ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे नॉर्मल जब आप ड्रॉ करोगे ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला गया, जाना पड़ेगा इसको, है ना। इस पॉइंट पे देखो भी ये ऐसे है, दिस इज द नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया, राइट। इस पॉइंट पे नॉर्मल ये बना, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया, इस पॉइंट पे नॉर्मल दिस इज देयर, रिफ्लेक्टेड रे इधर गया, ये था तो पैरेलल बीम, लेकिन अब क्या बन गया, ये अब पैरेलल बीम नहीं रहा। दिस इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन बेटा, इररेगुलर सरफेस। इससे क्या हुआ? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर रिफ्लेक्शन इररेगुलर होगा हमें बेटे इमेज जो है वो दिखाई नहीं देगा और हम कोई भी इमेज को नहीं देख पाएंगे। सो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से हम बेटा मिरर में तो अपना इमेज देख पाते हैं, लेकिन आप अब नोटबुक के ऊपर लिख रहे हो, आपको नोटबुक में अपना फेस नहीं दिखता, आपको अपनी बुक में फेस नहीं दिखता, आपको न्यूज़पेपर में अपना इमेज नहीं दिखता, बिकॉज वहां सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है। रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी इररेगुलर रिफ्लेक्शन एंड वी विल नॉट बी एबल टू सी द इमेज फॉर, राइट बेटा। चलें बच्चों आगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलिए। सर वाटर के अंदर भी तो हमें अपना चेहरा दिखता ही है। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, हमें अपना फेस वाटर में भी दिखता है, लेकिन बेटे जरा ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, अगर वाटर आपका जो है वो स्टेग्नेंट वाटर है, स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है और सरफेस बिल्कुल उसका पैरेलल है, और तीसरी बात पानी की सरफेस के नीचे एक हार्ड सरफेस है जो रे को आगे जाने से रोकती है, जैसे यहाँ पे ये वाला पेंटेड सरफेस था, देन वी विल बी एबल टू सी। क्यों? बिकॉज पानी आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसके पीछे आपने एक हार्ड सरफेस रखा हुआ है। और थोड़ा सा इमेजिन करिएगा अपने माइंड में, अगर पानी मूव करता हो, स्टेशनरी नहीं हो,
तो आप अपना इमेज देखो वो भी हिलता हुआ दिखेगा आपको, तो दैट इज द रीजन कि आपका सरफेस जो है वो अपनी स्मूथनेस को चेंज कर रहा है, द वेट विल बी चेंजिंग द स्मूथनेस। आपको कभी आपका इमेज बड़ा दिखता है, कभी छोटा दिखता है, कभी बड़ा कभी छोटा, रिफ्लेक्शन वहां से भी होता है, लेकिन तब होगा अगर पानी का आपको बॉटम जो है वो विजिबल हो, बॉटम आपकी रेस को आगे जाने से रोक देगा। क्लियर बेटा? यस सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आइए आगे चलें। इसके बाद बेटे हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है कि इमेज क्या होता है और इमेज कितनी तरह के होते हैं। बेटा देखो बेटा, जब आपकी रिफ्लेक्शन हो जाए या रिफ्रैक्शन हो जाए, या सिंपली कह लो कि रेज ऑफ लाइट आपकी मीट कर जाएं, या दे अपीयर टू मीट, तो हमारा वहां पे इमेज ऑब्जेक्ट का बन जाता है। और दो तरह के बेटे इमेजेस होते हैं, एक रियल और एक वर्चुअल। बेटा आइए देखें ब्रीफली बात करके फिर आगे चलेंगे। बेटा इमेज क्या होता है और इमेजेस कितनी टाइप के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। वी हैव रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। बेटा सेकंड इज वर्चुअल इमेज। रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद, या सिंपली आपकी रेज ऑफ लाइट जो हैं अगर वो असल में मिलती हैं, एक्चुअल में मीट करती हैं, तो इमेज आपका जो है रियल बनेगा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, राइट बेटा? और वर्चुअल इमेज की अगर बात करें, अगर आपकी रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती, दे अपीयर टू मीट, तो हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का। बेटा आइए मैं आपको थोड़ा और गाइड कर दूं। बेटा रियल इमेज एंड इमेज फॉर्म इज सेड टू बी रियल इफ द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रियल इमेज बेटे जैसे मैंने आपको बताया है, ये बेटा इन्वर्टेड होता है, उल्टा बनता है। और अगर वर्चुअल इमेज की बात करें बेटा, एन इमेज इज सेड टू बी वर्चुअल इफ द रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, आप जो मॉर्निंग टाइम ड्रेसिंग टेबल में मिरर में अपना ड्रेसअप चेक करते हो, आपको आपका वर्चुअल इमेज दिखाई देता है, वो रियल नहीं होता। जो वर्चुअल इमेज होता है बेटे, इट इज इरेक्ट, ये उल्टा नहीं होता बेटे। जो वर्चुअल इमेज है बेटा, ये इरेक्ट होता है, इट इज इरेक्ट। इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज बेटे वर्चुअल। इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। सो आइए आपको मैं बेटे एक्सप्लेन कर दूं कि ये वर्चुअल क्यों है और कैसे इमेज जो है ये आपका प्लेन मिरर के केस में बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, यस। आइए देखें,
रिफ्लेक्शन बेटा, रिफ्रैक्शन करेंगे आगे जाके, अभी अभी ने करना नहीं है, करेंगे आगे चल के डिटेल में करेंगे। जो रिफ्लेक्शन है बेटा, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ए स्मूथ सरफेस। जो रिफ्रैक्शन होता है दैट इज द चेंज इन द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू द अदर मीडियम। जैसे रे है ये एयर से पानी में एंटर कर गई, उसका रास्ता बदल जाएगा, दैट वी विल बी कॉलिंग एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? आइए अब बेटे बात करें इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर कैसा होता है। लेट अस कंसंट्रेट। इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर। बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास आपका प्लेन मिरर है, ये इसकी पेंटिंग सरफेस, पीछे वाली बैक सरफेस जिसपे आप डार्क पेंट कर देते हो, मिरर का नाम आप एम एम डैश रख लीजिए, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसका आप इमेज बनाना चाहते हो, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आपका सीधा मिरर की तरफ चला गया, चला गया। अगर मैं डी यहां पे रखूं, नॉर्मल बनाऊं, तो नॉर्मल भी इधर ही बनेगा। अगर मैं डी कहां गया, गुड़िया देना डी जरा, ये देखो ऐसे मैंने रखा तो ये नॉर्मल ही है, नॉर्मल के अलोंग ही हुआ ना ये रे। इट विल मीन दैट कि अगर आपका रे इधर जा रहा है तो नॉर्मल भी इधर ही है। ये आपका पॉइंट का कोई नाम रख देते हैं बाद में। रे इधर गया, अगर ये नॉर्मल के अलोंग जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, जीरो। वेरी राइट। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, जीरो। इसका मतलब है ये रे ऐसे ही वापस आ जाएगा। अगर आप इधर से देख रहे हो आपको लगेगा कि ये रे इधर से आ रहा है, पीछे से आ रहा है मिरर से, राइट। आपको आपका इमेज जो है मिरर में अंदर लगता है ना थोड़ा सा। अब एक रे और ले लीजिए, ये रे आपका सेकेंड रे जा रहा है इधर, चला गया। यहां पे मैं नॉर्मल बनाऊं, बी की जरूरत है कि ऐसे ही बना दूं, ऐसे ही बना देते हैं, ये नॉर्मल बन गया, राइट। ये कौन सा एंगल कहलाएगा, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा एंगल है, एंगल आर। आप जब यहां से देखोगे आपको लगेगा ये रे कहां से आ रहा है, इधर से, पीछे से। इस पॉइंट पे आपकी दो रेज असल में नहीं मिल रही हैं, दे अपीयर टू मीट। सो यहां पे आपका इमेज बन जाएगा, इट विल बी वर्चुअल, राइट। इसकी डिटेल में बात करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम, आप इसको थोड़ा पढ़ के आना। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू ऑल बेटा।